नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपकी चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 6, स्किल नंबर 3, कि आप जो व्यवसाय है, जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रस्तुति कैसे करोगे। तो साहब ये कहते हैं कि पहली और दूसरी स्किल जो है, लिस्ट बनाना और इनवाइट करना, उसके बाद ये एक महत्व का स्टेप है जिसमें आपको बहुत संभल के काम करना है। बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप बात बनाएं, और वो करने के लिए आपने कुछ नियम फॉलो करने हैं। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, जो आपसे दूर है, उसको अगर डिटेल भेजी है, बिजनेस का प्लान भेजा या अपॉर्चुनिटी भेजी है, तो वो जब देखेगा, आप सिर्फ फॉलो अप कर पाओगे उसके साथ बैठ करके, या ओवर द फोन उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, विच इज़ ओके, विच इज़ ओके। बट अगर आप साथ में बैठे हो और उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तब आपने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपने आप को एक्सपर्ट के तौर पे नहीं जताना है, बताना है, प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट को कुछ भी नहीं पता है। आप उसके सामने ज़्यादा एक्सपर्टीज बताने जाओगे, वो घबरा जाएगा। आपको उसके लेवल पे उतर के, उसके साथ जुड़ के, एक मित्र के जैसे बातचीत करने की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अगर ऐसे करोगे तो वो एक कंफर्ट जोन में आएगा, उसको एक कंफर्ट मिलेगी कि भाई हाँ ठीक है, ये बंदा लीडर है, सीनियर है, तब भी मेरे जैसा है, तो मैं भी कर पाऊंगा। अगर आपने ज़्यादा शाइनिंग मारने की कोशिश करी तो फिर वो बंदा बिदक जाएगा, डर जाएगा। ठीक है, अब आपके प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये भी अगर ऐसे लगता हो कि आप तो एक्सपर्ट हो नहीं, आपने तो अभी शुरू किया है, या आपने शुरू किया है बट आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो नहीं, तो अगर आप एक्सपर्ट के तौर पे बात करने जाओगे, और जो कि उसके मन में पता है कि आप हो नहीं, तो वो गैप रहेगा, और वो गैप के चलते भी वो व्यक्ति, वो बंदा जो है, वो एक दूरी बनाए रखेगा, बहुत सतर्क रह करके बातचीत करेगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप जितना आपकी एक्सपर्टीज़ अगर आपकी है या नॉलेज है, तो ज़रूरी नहीं आपके जो कंपनी के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या दूसरे बिजनेस ओनर्स हैं, उनके पास भी उतनी एक्सपर्टीज़ हो। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे आपको कि भाई आप मेरे जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको आप अपना प्रेजेंटेशन दे दो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हो। तो ये होगा क्या, इसमें आप अपने लिए और दूसरों के लिए, जो आपकी टीम में शायद हैं भी या नहीं भी, उन सभी के लिए आप प्रेजेंटेशंस करते रहोगे, तो आप फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही बिजी हो जाओगे। और जबकि अदर साइड, उन्होंने, जिनके ये प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने ये कला जो है, ये स्किल है, इसको नहीं सीखा, तो आप डबल नुकसान कर रहे हो। इसीलिए जैसे मैंने वीडियो शुरू करते वक्त कहा कि आपको बहुत संभल के, बैलेंस होके, सतर्क होके काम करना है। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो खुद को कभी इस तरीके का इश्यू बनने ही नहीं देते। वो अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट के तौर पे प्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को एक कंसल्टेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्ट को टूल्स जो हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी टूल्स, तो टूल्स हो गए, या इवेंट्स हो गए, या अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हेल्प ले करके वो प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करवाते हैं। वो प्रोस्पेक्ट से एक छोटी सी एफर्ट डलवाते हैं कि भाई ये टूल है, तू देख, ये इवेंट है, तू आ जा, तू सुन, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो किसी से बात कर रहा है, या ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो किसी को प्रेजेंट कर रहा है, तू बैठ के सुन। तो वो एक छोटा सा एफर्ट प्रोस्पेक्ट से करवाते हैं, वो अपने आप को सुपर शार्प या एक्सपर्ट या बड़ा सा कोई अथॉरिटी फिगर इस तरीके से नहीं बताते। ठीक है, तो ये जो कला है, ये जो स्मार्टनेस है, कि भाई आप स्मार्ट होते हुए भी आप एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे प्रेजेंट करो, नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे आप पेश आओ। ठीक है, अब एरिक साहब का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में
एक ही चीज काम करती है और वो है जो डुप्लीकेटेबल हो, जो डुप्लीकेटेबल हो। डुप्लीकेटेबल का मतलब ये है कि जो आसानी से आप, आपका प्रोस्पेक्ट, उसका प्रोस्पेक्ट, उसका प्रोस्पेक्ट, उसका प्रोस्पेक्ट, उसका प्रोस्पेक्ट आसानी से कर पाए, ठीक है। तो वो चीज है जो काम करती है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। दूसरा साहब, फिर से ये दोहराते हैं कि एक्सपर्ट जो होते हैं, या जो सॉरी प्रोफेशनल जो होते हैं, वो अपनी चतुरता या अपनी होशियारी जो है उसके जगह पे टूल्स को यूज़ करवाते हैं। अब टूल्स में प्रेजेंटेशंस हो गए, टूल्स में इवेंट्स हो गए, टूल्स में दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेजेंट करवाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो हमेशा वो खुद प्रेजेंट ना करते हुए थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करके प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। ये करने में भी आपको ये तरीका जो है, ये सलीका है, ये आपको सीखना होगा, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। अपने आप को हीरो साबित ना करने जाएं, अपने आप को एक स्मार्ट सुपरस्टार प्रेजेंट ना करने जाएं, ये ज़्यादा नुकसान करेगा, फ़ायदा कम करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो एक टेस्टिमोनियल होता है कि एक व्यक्ति को प्रोडक्ट्स यूज़ करके, सर्विस यूज़ करके क्या उसके जीवन में फ़र्क आया, तो प्रेजेंटेशन और आपका जो टेस्टिमोनियल है वो शॉर्ट रहना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब टेस्टिमोनियल में साहब ये कहते हैं कि एक स्टोरी होनी चाहिए बहुत छोटी सी, जिसमें आपका बैकग्राउंड, के आप क्या थे, फिर आपको क्या अच्छा नहीं लगता था, फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कंपनी है या प्रोडक्ट है, उसने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने जो है वो आपने शेयर करने, ठीक है। तो ये होता है एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग या छोटा सा प्रेजेंटेशन। और ये करते 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 जब आप ये प्रेजेंटेशंस करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, लोगों के सामने, आईने के सामने, बंद कमरे में खुद से करोगे, तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप स्मार्ट और शार्प हो जाओगे, आपके प्रेजेंटेशंस शॉर्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, खुद को लिखना पड़ेगा, आपको अपनी टेस्टिमोनियल, अपनी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, बकायदा लिखनी पड़ेगी, फिर उसको जोर से पढ़नी पड़ेगी, फिर उसको जोर से रटा रटाया हुआ एक बोलना पड़ेगा। रटने से मेरा ये है कि जब आप रटोगे तो अपने आप जो शब्द हैं वो स्मूथली फ्लो होंगे, और जब आप शब्दों को करेक्ट करोगे तो फिर वो आपकी स्टोरी आप एकदम अंदर से निकलेगी, एक भाव से निकलेगी, ठीक है। तो साहब का ये कहना है कि इस तरीके से प्रेजेंटेशंस आपने करने करवाने हैं, आपने खुद एक 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 भाषण के तौर पे या एक बड़ बोलेपन के हिसाब से इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो या मिलते हो, तो आप सिर्फ एक मैसेंजर होते हो, आप खुद मैसेज नहीं होते हो, आपका खुद का आपने बड़प्पन नहीं बताना है, ठीक है। थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करना है, फिर स्टोरी इस तरीके से आप बताओ कि जो प्रोस्पेक्ट है आपका, उसकी उत्सुकता बढ़ जाए, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, वो और जानने के लिए बेताब हो जाए, वो कहे कि भाई आप मुझे मिलो, आप मुझे मिलो, आप मुझे मिलो। तो ये है कहानी। और तीसरा, जब आप ग्रुप्स के सामने बात करते हो, दो चार छः लोगों के सामने बात करते हो, तब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक एक थोड़ा सा मनोरंजन टाइप सा होना चाहिए, बहुत सीरियस या बहुत बोरिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, एक 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 एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा बना रहे, माहौल एक हल्का फुल्का बना रहे, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला बना रहे, एक लाइवली एनवायरनमेंट हो।
ये काफी जरूरी है, ये काफी हद तक जरूरी है। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में साहब कहते हैं कि आपने अपने व्यवसाय का, प्रोफेशन का, प्रोडक्ट का किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें इस चैप्टर में बताई हैं। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और करने के पहले आपकी रिक्वेस्ट के लाइक करें, कमेंट्स करें, जो अच्छा लगा ना लगा वो लिखें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे बरोबर से। और सुझाव हो आपके, मोर देन वेलकम है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क ऑन देम एंड कीप इम्प्रूविंग माई वीडियोज़ एंड शेयर मोर एंड मोर नॉलेज इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज, सो दैट वी ऑल कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड इम्प्रूव अपॉन आवर लाइफ।